हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों से कि हम लोगों को कहीं जाना है, तो हम लोग दरअसल दोस्तों जा रहे हैं मैहर, बेटे का मुंडन करवाना है। तो ये देखिए, बेटा हमारा खेल रहा है और शाम के अभी 7 बजे निकलेंगे। तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, राधा भी तैयारी कर रही है और हमारी आंटी हैं और इनकी मम्मी है राधा की, और हम हैं और राधा है, बेटा है, इतने लोग जा रहे हैं मैहर, इसका मुंडन करवाना है। तो अभी हम लोग निकलेंगे। देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गया है शिवांश, देखिए पहन लिया है स्वेटर वगैरह और हाथ में दस्ताना भी पहन लिया है और अभी तैयार हो गया है। हम लोग भी अब तैयार होंगे। इनकी मम्मी अभी नहीं आई हैं, आ जाएँ राधा की, तो फिर हम लोग भी तैयार होकर निकलेंगे। गाड़ी आएगी 6 बजे, 6:30 बजे तो हम लोग निकलेंगे। और राधा को देखिए तैयारी बनाने जा रहे हैं। क्यों? हाँ, जा रहे हैं कपड़ा पहनने। अच्छा, तुम भी तैयार हो जाओ। और बेटा तैयार हो गया है, हम भी सबसे लास्ट में तैयार होंगे क्योंकि औरतों को समय लगता है ना तैयार होने में। जानते तो हो। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो गया हूँ, अब बेटे को तैयार कर रही हैं। अब देखिए, अब बस हम लोग निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में। गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी आके रोड पे खड़ी हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे पैदल, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है अंदर आने का, तो हम लोगों को रोड पे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मैहर। ये देखिए, अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं मैहर धाम। और अभी गाड़ी हमारी देखिए खड़ी है, ये देखिए सब लोग आ गए हैं, वो देखिए सामने खड़े हैं लोग। और दोस्तों, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, वहाँ से देखिए मैहर की माता रानी का जो है वो स्थान दिख रहा है ऊपर। आप लोग दिखाता हूँ, लाइट जल रही है, ये आप लोग देख सकते हैं खूब ऊंचाई पर। देखिए वहाँ पे लाइट वगैरह जल रही है, वही मैहर वाली माता का जो है स्थान है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है और अंधेरा है, बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जो दिखाई दे रही है लाइट ऊपर, वो मैहर वाली माता जी का स्थान है। बाकी यहाँ पे देखिए, जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी किए हैं वहाँ पे अभी सन्नाटा है, लोग अभी जगे नहीं हैं क्योंकि अभी 2 बज रहा है, तो इस वजह से अभी ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं। अभी 4 बजे करीब लोग उठेंगे। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है और हमारे साथ जितने लोग आए हैं, राधा है और हमारी आंटी हैं, उनकी मम्मी हैं और ड्राइवर हैं गाड़ी के। ये गाड़ी हमारी देखिए खड़ी है, ये लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम लोग अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये गेट है, मेन गेट, यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे तो हम लोग निकल रहे हैं अब अंदर। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है और अब चल रहे हैं अंदर। ये अंदर आ गए हैं हम। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं ऊपर और विद्यमान है जहाँ माता रानी, वहाँ पे चल रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए पीछे पीछे सब लोग लगे हैं हमारे। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के स्थान पे, यही माता रानी विराजमान है। देखिए आ गए हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी भीड़ है माता रानी के स्थान पे। देखिए Thank you.
जय माता दी। देखिए दोस्तों, सिवान सीढ़ी चढ़ रहा है। देखिए 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 देखिए, चढ़िया बेटा, चढ़िया चढ़िया, आ चढ़िया चढ़िया, आओ। देखिए सीढ़ी चढ़ रहा है, चढ़ गया, देखना अब गिरे ना। चढ़िया आओ, चढ़िया आओ, आओ 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 आओ। देखिए सीढ़ी चढ़ाया, ए बेटा, ए सिवान, ए भैया, चढ़ी आया, चलो ले लो। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रस्सी मार्ग की भी व्यवस्था है। जो लोग नहीं चल पाते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं सीढ़ी, उसको जो है रस्सी मार्ग के द्वारा लाया जाता है, अपना चले आते हैं। ये देखिए रस्सी मार्ग से, रोपवे जिसे बोलते हैं, इसी से आते हैं। बहुत ऊंचाई पर है माता रानी का मंदिर, इसी वजह से यहाँ से ये सुविधा भी सरकार की तरफ से उपलब्ध है। देखिए रस्सी मार्ग के द्वारा लोग आ जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसी पे मंदिर पे माता रानी विराजमान है। देखिए ये रस्सी मार्ग में देखिए लोग आ रहे हैं, बहुत ही ऊंचाई पर है स्थित माता रानी का मंदिर। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, पेड़ पेड़ केवल दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी कोहरा है, इस वजह से साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों हम लोग नीचे जा रहे हैं, उतर रहे हैं, नीचे उतरने का रास्ता है। दे दो कुछ, तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं नीचे। चलो क्या देख रही है? तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, देखिए मेन गेट है, यहीं से प्रवेश किए थे हम लोग दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, अब आ गए हैं, पूरा दर्शन कर लिए हैं माता रानी का। तो दोस्तों देखिए सिवांश को टकला हो गया है, इसका मुंडन आज हो गया है और बाल इसके चले गए हैं, तो टकला हो गया तो रो रहा है कि मेरे बाल चले गए। अब जा रहे हैं, जा रहे हैं और आगे दर्शन करने दूल्हा बाबा का, दूल्हा बाबा अरे। ये दूल्हा बाबा हैं, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। Thank you.
आ गए हैं, आला उदल जिसमें स्नान करते थे उस जगह पे आ गए हैं। इनसे जो है लोग आला उदल की बावली क्या कहते हैं, किसका बाबा की बावली के नाम से फेमस है ये जगह। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी इसमें गेट बंद है दोस्तों, खुला नहीं है, ये देखिए ताला बंद है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखिए यही बना है यहाँ पे, इसी में स्नान करते थे। ये मकबरा टाइप का बना है, बहुत ही पानी अंदर भरा हुआ है, देखिए वो आप लोग दिख रहा होगा, पानी है ये जो दिख रहा है, पानी है, तो इसी में स्नान करते थे आला उदल। और दोस्तों देखिए दर्शन करके ज़्यादा जो है भूखी हो गई है, देखिए भूख लग गई है, तो कह रहे हैं सुबह सुबह चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये चाट की दुकान है, इसी पे खाने के लिए बैठ गए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रस्सी मार्ग से जो लोग आ जा रहे हैं, देखिए नीचे हम लोग आ गए हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है रस्सी मार्ग द्वारा जिसको जाना है, ये देखिए। तो दोस्तों दर्शन कर चुके हैं, अब चल रहे हैं गाड़ी पे बैठे हैं, देखिए हम लोग निकल रहे हैं और प्रसाद अभी ले रहे हैं रास्ते में, ये देखिए प्रसाद ले लिए हैं, ये देखिए प्रसाद की दुकान है, यहीं पे ले रहे हैं गाड़ी खड़ी करके, तो प्रसाद ले करके बस निकलते हैं हम लोग। कहाँ जाते हो? देखो टकले को, टकले को देखो, देखो बेटा टकला हो गया है, देखिए रो रहा है कि मेरे बाल कहाँ चले गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, आप लोगों को मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बाय बाय।